बेगूसराय में फिरौती के लिए अपहृत युवक को पुलिस ने अपहरण के 24 घंटे के अंदर न सिर्फ बरामद कर लिया बल्कि अपहरण में शामिल तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल छौड़ाही थाना क्षेत्र के डीही गांव निवासी अरविंद कुमार यादव को 22 मई को नौकरी दिलाने के नाम पर पटना बुलाकर अपहरण कर लिया गया था और फिरौती में 6 लाख रुपये की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, अपहरणकर्ताओं ने अपहृत की पिटाई कर उसकी पत्नी को वीडियो भेजकर फिरौती की रकम की मांग की थी, जिसके बाद परिजनों ने डर से 50,000 रुपये अपहरणकर्ताओं को अकाउंट में ट्रांसफर किया था। पुलिस ने अपहृत अरविंद कुमार को औरंगाबाद जिले के पहाड़चापी मोड़ जीटी रोड से बरामद किया है। पुलिस ने मौके से कैमूर जिले के आदर्श कुमार, एहसान अंसारी और गया जिले के सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया है और एक कार बड़ी बरामद किया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर अपहरण करने का यह मामला था, जहां एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बेरोजगार युवकों का नंबर जुड़ा रहता है। उस ग्रुप से कैमूर जिले का रहने वाला आदर्श कुमार ने अरविंद कुमार को नौकरी दिलाने के नाम पर पटना बुलाया और फिर इंटरव्यू के लिए गया ले गया और उसका अपहरण कर लिया। बदमाशों ने अरविंद की पत्नी से फिरौती के रूप में 6 लाख रुपये की मांग की। हालांकि परिजनों ने 50,000 बदमाशों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन अपहरण की सूचना मिलते ही मंझौल डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिससे औरंगाबाद जिले से न सिर्फ अरविंद को बरामद किया बल्कि घटना में शामिल सभी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। एक पेशेवर गिरोह की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरोह बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर इंटरव्यू के लिए अन्य जिले में बुलाकर अपहरण कर फिरौती मांगने का कार्य ये गिरोह करता था। इस गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। किडनैपिंग के लिए जो टाटा इंडिगो कार इस्तेमाल की थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है और इन्होंने छौड़ाही का एक व्यक्ति है जिसका नाम है अरविंद कुमार यादव, उसकी यहाँ से किडनैपिंग कर ली थी ये बोलते हुए कि हम तुम लोगों को नौकरी दिलाएंगे, और ये पूरा काम पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें अनुसंधान में ये पता चला है, एक व्हाट्सअप ग्रुप है जॉब इन बिहार करके, जिसमें कि जिन लोगों को नौकरी चाहिए वो लोग इस पर रजिस्टर्ड रहते हैं। तो ये तीनों जो किडनैपर हैं ये भी उस ग्रुप पर जुड़े हुए थे। ये लोग वहाँ से ऐसे लड़कों का नंबर उठाते थे जो लगातार मैसेज डालते रहते थे कि हमें किसी प्रकार की नौकरी चाहिए। इन्होंने छौड़ाही का एक व्यक्ति अरविंद कुमार यादव, उसका नंबर लिया, उसको इन लोगों ने फ़ोन किया और ये बोला कि हम तुमको नौकरी दिला देंगे, तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल करा देंगे। तो जो जिस व्यक्ति का इन लोगों ने अपहरण किया था, उसने बताया कि मैं तो ट्रैक्टर चलाता हूँ, मेरे पास 2 बीघा खेत है। तो इन्होंने कहा कि हम तुमको पटना एयरपोर्ट पर ड्राइवर की नौकरी दिलवा देंगे, और फिर इन्होंने इस व्यक्ति को पटना बुलाया। पटना में बुलाने के बाद इन लोगों ने उसको अपनी गाड़ी पर बैठाया और गाड़ी पर ये बताया कि तुम्हारा इंटरव्यू अब पटना में नहीं, हमने गया में रखवा दिया, तुमको गया चलना होगा। ये लोग वहाँ पर इसको गया ले गए और गया ले जाने के बाद मानपुर एक जगह है वहाँ पर इन लोगों ने उसकी किडनैपिंग कर ली, उसको रस्सी से बांध के एक घर में रख दिया, उसके साथ मारपीट की, और फिर इन लोगों ने उसके पत्नी के नंबर पर फ़ोन किया और नंबर पर फ़ोन करने के बाद इन लोगों ने करीब 6 लाख रुपए की फिरौती मांगनी शुरू की। इन्होंने बोला कि अगर तुम पैसे नहीं लेके आओगे तो तुम्हारे पति को हम लोग मार देंगे। उसके वीडियोस और जो फुटेज है वो भी इन लोगों ने सबूत के तौर पर भेजे। उसके बाद उनके घर वालों ने, अरविंद कुमार यादव के घर वालों ने छौड़ाही पुलिस को खबर की और तुरंत इस पर हम लोग ने मामला रजिस्टर किया किडनैपिंग की धाराओं में और धोखाधड़ी की धाराओं में। और उसके बाद तुरंत मैंने एसटीपीओ मझौल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया और टीम तुरंत बेगूसराय से निकली और टीम ने लगातार गया में और औरंगाबाद में जो एनएच है वहाँ पे लगातार छापेमारी की, और छापेमारी करने के बाद मदनपुर एक जगह है औरंगाबाद में 4 लेन पे, वहाँ से उस 4 व्हीलर गाड़ी में जिसमें कि ये किडनैपर थे और जो हमारा पीड़ित व्यक्ति था, सबको पुलिस ने बरामद किया, उसको पकड़ा। तो जब पकड़ा हमने तो जो जिसकी किडनैपिंग की थी उसके शरीर पे काफ़ी जख्म थे, उसको तुरंत इलाज कराया गया है, उससे भी पूछताछ की गई है। और इन तीनों की जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें एक लड़का है जो मेन मास्टरमाइंड है गिरोह का, जो संचालक है ये आदर्श कुमार है, ये कैमूर का रहने वाला है। इसका दूसरा सहयोगी है सुजीत कुमार, ये गया का है। एक एहसान अंसारी है, वो भी कैमूर का है। अब अनुसंधान में ये पता चला है कि ये लोग किसी न किसी समय में जेल में साथ में रहे थे, वहाँ पर इन लोग की मुलाकात हुई है। इसमें जो आदर्श है ये बहुत ही शातिर है, ये व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर उठाता है बेरोजगार लड़कों का, उनको फ़ोन करता है, उनको झांसा देता है। इसमें एक लड़का है एहसान अंसारी, इसका काम है जिसकी ये लोग किडनैपिंग करते हैं उसके साथ में बने रहते हैं, इसको खाना पीना खिलाते हैं। एक लड़का सुजीत है, ये पूरी रेगी करता है वहाँ पे। तो इस प्रकार से इन लोगों ने गिरोह में अपना ये जो काम है बांट के रखा हुआ है। तो कुल मिला के पुलिस के प्रॉम्प्ट एक्शन से, पुलिस के तुरंत कार्रवाई से एक व्यक्ति की जान भी बच गई है। और ये गिरोह जो कि पूर्व में भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुका है, अभी हम लोग उसका पता कर रहे हैं,
और आने वाले समय में ये कई और ऐसे हमारे युवकों को फंसा के उनकी किडनैपिंग करके या तो उनसे पैसा ऐंठ लेता या उनकी जान भी ले सकता था। तो ये सब सब चीज़ों को बेगूसराय पुलिस ने रोक दिया है। इन सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन की हम लोग तलाश कर रहे हैं और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। एक व्यक्ति की जान बचा ली है, बेगूसराय के एक व्यक्ति की जान हमने गया औरंगाबाद से जाकर के बचाई है। तो मैं पूरी टीम को, एसटीपीओ मझौल और उसकी पूरी टीम को अपने तरफ से भी पुरस्कृत करता हूँ।